हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। तो ये है मेरा न्यू कवर बैक। अब मौसम देखो, ओह माय। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। तो आज हम किसी मिस्टीरियस जगह पर जाने वाले हैं। और ये रही दीदी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ खुशी एंड आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी बज रहे हैं 10। तो जैसा कि आपको हैप्पी ने बताया कि आज हम जा रहे हैं कहीं मिस्टीरियस जगह पे, सो उसने सही बताया, हम जा रहे हैं कहीं पर एंड वो चीज़ आपको नहीं पता चलने वाली, इसलिए वो चीज़ मिस्टीरियस है। तो हमें निकलना है 3 बजे, 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे हमें निकलना है 1 बजे। एंड हैप्पी, हम कैसे जाएंगे? बस से। तो गाइस बस से जाएंगे। बस का सफ़र मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुझे पसंद है? इसको पसंद है गाइस, हमें नहीं पसंद। हम ठहरे क्योंकि ऐसी बस है। तो गाइस हम ठहरे ओला वाले बंदे, कार वाले, हमें क्या बस पसंद आएगी। एंड यहाँ पर सारा मेरा कपड़े फैले हुए हैं और मैंने ना कपड़े निकाले थे, लेकिन मेरी मम्मी है ना, सारे इधर कर कर बैठ गई हैं, आराम से इंस्टाग्राम चला रही हैं। तो ये दो कपड़े मैंने सारे कपड़े निकाले थे देखने के लिए कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। इनमें से मेरे ये फाइनल हो गए हैं। एंड जो लेकर जाने हैं वो हमारे ऑलरेडी फाइनल है, प्रेस वेस सब हो चुकी है। एंड ये देखो गाइस, हैप्पी ने लिया है अपना नया नया क्या बात है नया नया क्यूब नया क्यूब। और नाश्ता हमने अभी अभी करा है। हमने नाश्ते में खाया था पोहा। एंड गाइस ये रही मेरी नेल पेंट। बाय नो, बहुत कम है ना, मुझे पता है बहुत कम नेल पेंट्स है, बट कोई नहीं। एंड गाइज अभी हमें करनी है पैकिंग, क्योंकि पैकिंग अभी हमारी नहीं हुई है। एंड गाइज देखिए, हमने ना यहाँ पर अपना मिरर जो है लगा लिया है। एंड मिरर के साइड में ही हमने ये इस तरीके का क्या कहते हैं इसको कॉर्नर लगा लिया है। एंड ये हैप्पी। एंड गाइज आप लोग, एंड गाइज सॉरी पता नहीं, एंड गाइज ये है हैप्पी की ड्राइंग, ये देखो है ना कितना सुंदर मेरे भाई के। और गाइस ये तो देखो, इसे नोटिस नहीं, और गाइस अपने अभी इसे नोटिस नहीं किया है। ये है हमारा स्टडी टेबल और इसका कबाड़ा, इस पर कितना कबाड़ा बना के रखे हैं। इट्स जस्ट किडिंग। एंड हम ना पावर बैंक भी लेकर जाएंगे, क्योंकि गाइस मुझे बनाना है ब्लॉग, तो मेरे फ़ोन की चार्ज भी ख़त्म हो सकती है। एंड तीन फोन है, तो तीनों फ़ोन चार्ज हो चुके हैं। पावर बैंक भी चार्ज है, बस लगा दिया है कि जो थोड़ा बहुत नहीं है वो भी हो जाए, चार्ज हो जाए। एंड मुझे अभी नहाना भी है। एंड गाइस बस अभी तो यही है, 1 बजे हम निकलेंगे। एंड 1 बजे बोला तो गाइस 1:30 बजे जाएंगे, क्योंकि लेट तो होना ही है, पक्का पक्का लेट होना है। एंड मैं लेके जाऊंगी अपने साथ ये मेरा मिनी ट्राईपॉड, जो कि मैंने परचेस किया था शॉपसी से। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूंगी। एंड चलो अभी मैं नहाकर मिलती हूँ आपसे। इस तरीके से मेरा पला गोली आता रहता है। आज मैंने इसकी ना वीडियो बना ली है, आज मिल सकते हैं। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ नहाने। एंड मैंने सोचा कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलो मैं देख बताती हूँ। सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, कोई भी कटोरी या कुछ ले लेना है, उसमें आपको अपना फेवरेट कोई भी शैम्पू डाल देना है। मैं सनसिल्क डाल रही हूँ, ब्लैक वाला सनसिल्क। ये फोकस नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, सनी भी अपने ऑफिस से आएगा है और बेबी भी, पता नहीं क्यों ये फोकस नहीं हो पा रहा, बट कोई नहीं। सो हम यहाँ पर ना शैम्पू डाल दूँगी मैं सनसिल्क का पूरा। ये एक सैशे है कि हमारे यहाँ पर ऐसे सैशे ही आते हैं, तो पूरा एक ही मैं सैशे डाल दूँगी शैम्पू का। एंड शैम्पू मैंने डाल दिया है। अब इस शैम्पू में ना मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा डालूँगी मैं ये केश का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, क्योंकि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा एंटी ये केश किंग का हेयर फॉल शैम्पू डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं ये डाल दूँगी
मतलब जितना हमने अपना नॉर्मल कोई भी फेवरेट शैम्पू लिया उससे हाफ क्वांटिटी में हमें ये वाला शैम्पू लिया है मैंने। उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पर डव का हेयर कंडीशनर। तो यस गाइस, कंडीशनर को जब मैं अपना इस तरीके से शैम्पू में मिक्स करके लगाती हूँ तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एंड थोड़ा सा मैं यही डाल थोड़ा सा मैं जितना हमने गाइस अपना ये केश क्रीम का एंटी हेयर फॉल शैम्पू डाला उससे हाफ क्वांटिटी में मैं यहाँ पर जो अपना कंडीशनर डाल दूँगी। एंड इन सब चीज़ों में हल्का सा पानी मिला के जब मैं इसको मिक्स कर दूँगी और फिर मैं इसको जो है अपने हेयर से इससे वॉश करूँगी सो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। अभी पहले मेरे आप अभी बाल देख सकते हैं आप मेरे किस तरीके से बाल हैं। कुछ भी नहीं बनाया अभी तो बस नाश्ता ही करा, पोहा बनाया था, चाय बनाई। तो अभी गाइस मेरे बाल ऐसे हैं एंड अभी मैं नहाकर हेयर फॉल अभी मैं नहाकर हेयर वॉश करके आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। सबके कपड़े भी रेडी हो गए हैं प्रेस होकर। एंड ये अपना क्यूब को अपना फेवरेट कलर दिखा रहा है जो कि सबको पता है, आई थिंक ब्लू 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 ब्लू। सो गाइज अभी ना 11:30 बज रहे हैं एंड हम निकलेंगे 1 बजे। एंड मैं नहा ली हूँ एंड मैं जीन्स पहनूंगी एंड टॉप पहनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना फुल लुक। एंड गाइज मैंने ना मेरा न्यू कवर आया है, मेरा न्यू कवर है जो मैंने डैडी से बनवाया है तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बैक कैमरे से। सो ये है मेरा न्यू कवर, बैक कवर जो कि इस तरीके से है। क्या लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड सब कुछ न्यू 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 है गाइस एंड दैट्स इट। चलो अब मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। गाइस अभी बज रहे 12:30 एंड अभी हम खाएंगे खाना एंड फिर निकलेंगे। एंड गाइस मौसम ना ऐसा हो गया जैसे बारिश आने वाली है अभी आपको है, और जैसे ना जैसे बारिश आने वाली है मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कर रहा है ड्राइंग, ये मोर बनाया है इसने। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कितना सही मौसम हो गया एकदम बारिश जैसा। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसम बहुत ख़तरनाक हो रहा है बारिश जैसा एंड बारिश हो भी रही है यहाँ पे, बट जाना तो है ही, अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। एंड गाइस मेरे बाल ना सूख चुके हैं तो मैं आपको इसका लुक मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। वैसे तो आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा अब अच्छे सुंदर लग रहा है एंड थोड़े आपको ऑयली इसलिए लग रहे होंगे वो क्योंकि मैंने लगाया है इसमें सिरम। एंड गाइस बारिश आ रही है एंड आई डोंट नो कि हम कैसे जाएंगे अब। सो गाइस अभी ना टाइम हो रहा है 1:00 एंड जैसे कि मैंने आपसे बोला था 1:00 हमें निकलना है, बट जो टाइम हम सोचते हैं उस टाइम पर तो हम निकल पाते नहीं हैं। तो अब हम जल्दी से रेडी होने लग जाती हूँ मैं स्पेशली क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी से रेडी होती हूँ फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइस यहाँ पर मैं आ गई थी आपको अपना पूरा का पूरा लुक दिखाने। तो मैंने बस यही सब पहना था अपना, ये मैंने टॉप पहना था एंड इसके नीचे मैंने पहनी थी ये वाली जींस जो कि दिख ही नहीं रही थी बाय वॉल। सो कैसा लग रहा था ये लुक मेरे को कमेंट में बताना। एंड मैंने ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल रहा था। एंड ये थे मेरे पूरे बाल जो कि मैंने लगाया था, लेकिन मैंने ना इनमें सिरम लगा लिया था इसलिए थोड़े से ऑयली लग रहे थे, बट आप मुझे फिर भी बता देना कैसे लग रहे हैं। एंड यहाँ पर ना मैं हेयर स्टाइल सोच रही थी कि क्या बनाऊं, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे थोड़े कर्ली हेयर्स हैं इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या हेयर स्टाइल करूं। लेकिन जब मैंने सोचा कि क्यों चलो हाफ पोनीटेल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना गाइस मेरे को जो है रबर बैंड ही नहीं मिल रही थी भाई, मतलब मैं थक गई थी लिटरली ढूंढते रबर बैंड। यहाँ पर मैं रबर बैंड ही ढूंढ रही हूँ, सो मुझे मिल ही नहीं रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एंड गाइस सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, मतलब ज़्यादातर इस वीडियो में ज़्यादा बैकग्राउंड ही रहेगा तो सो सॉरी। बट फिर मेरे को ना लिटरली मिल गई थी मेरी रबर बैंड
तो मैंने ना अपने बाल जो है टाई कर लिए थे एंड मैं ना लेट हो रही थी, इसलिए मैं आपको यही सब बता रही थी, लेकिन मुझे अब म्यूट करना पड़ गया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी वरना फिर, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। एंड गले में मैंने पहना था अपना ये वाला नेक पीस जो कि शायद से अच्छा लग रहा था, कमेंट बताना मेरे को कमेंट में। एंड इसके साथ मैंने ना अपने जो है इयर रिंग्स में पहना था, जो मेरे ये हुप्स थे ना बिल्कुल सिंपल से, जो मेरे हुप्स हैं बिल्कुल सिंपल से वो पहने थे, जो अपने मेरे बाकी बहुत सारे वीडियोज़ में देख भी रखे होंगे, तो मैंने यही सिंपल से वो हुप्स पहन लिए थे क्योंकि अभी हमें बस में ट्रैवल करना था, तो बस में मतलब जितना कम मेकअप रहता, जितना कम मेरी एक्सेसरी रहती मेरे को उतना ही ज़्यादा हैंडी हो जाता। एंड मैं अभी लाइनर लगा रही थी क्योंकि लाइनर में जो कैमरे में देख के मैं नहीं लगा पाती, इसलिए मैं मिरर में देखने चली गई थी। एंड यहाँ पर मेरा लाइनर ना डन हो गया एंड मैं आपको यही दिखा रही थी कि आज मेरे पहली बार ज़िंदगी में एक ही बारी में ना बिल्कुल लाइनर डन हो गया है। एंड मैं साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स जो है ना अपने स्लिंग बैग में भी रख रही थी क्योंकि मुझे वहाँ पर भी तो यूज़ करने ही थे ना प्रोडक्ट। एंड हैप्पी ना परफ्यूम लगा रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी लगा ही लेती हूँ, मैं क्यों ना लगाऊँ परफ्यूम। एंड उसके बाद ना मेरे पास लिपस्टिक में भी दो ऑप्शन थे, ये था एंड ये था, तो मैंने ये वाला लाइट वाला कलर लगा लिया था। एंड अब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड रहना क्योंकि वो ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। एंड हम जा रहे थे गुड़गांव शीतला माता मंदिर, बहुत क्योंकि हमें हर साल हम शीतला माता मंदिर जाते ही जाते हैं एंड इसलिए हम आज भी गए थे। एंड सेम लिपस्टिक से मैंने लगा लिया थोड़ा सा ब्लश क्योंकि ब्लश थोड़ा सा गाल लाल लाल अच्छे लगते, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस लिपस्टिक से सेम लिपस्टिक से जो है ब्लश लगा लिया था। एंड भाई ये दोनों लिपस्टिक मैंने अपने बैग में रख ली थी एंड मेरा मेकअप हो गया बिल्कुल डन, बिल्कुल सिंपल सा मेकअप था मेरा, तो मैं यही बोल रही थी कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना और गाइस बता देना। एंड फिर ना मेरे को मस्कारा याद आ गया कि भाई मस्कारा भी लगा ही लेती हूँ, तो मैंने मस्कारा का जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो मैंने वापस रख दिया एंड ना मस्कारा लगाने चली गई मिरर में। एंड दैट्स इज माय फाइनल लुक, बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है। स्लीपर में भी ना मेरे पे दो ऑप्शन है, ये वाली स्लीपर या फिर ये वाली स्लीपर, तो चलो मैं देखती हूँ कि कौन सी पहनती हूँ। वैसे में भी दो ऑप्शन है, ये वो देखती हूँ कौन सी पहनती हूँ। एंड दिस इज माय फाइनल लुक, बहुत बहुत सिंपल सा लुक है, बिल्कुल कॉजी सा लुक। एंड आप गेस करते रहना कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड मैं मौसम दिखाती हूँ गाइस आपको कैसा हो रहा है, आप मौसम देखो, ओ माय गॉड कि कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल गाइस मौसम भी ना बहुत ख़तरनाक हो रहा है, बारिश जैसा कि अभी बारिश आ जाएगी। एंड मैं तो तैयार हूँ बस ना, ये ठीक है, ये नाम है एक एक डाल, ये डाल लो तो गाइस मैं रेडी हूँ, हैप्पी भी रेडी है लेकिन हमारी मम्मी रेडी नहीं है क्योंकि ना इसमें ये इसके साथ भी चल रही है तो आई एम डन, पावर बैंक डन है, मेरा लाइट मेरा स्टैंड भी डन है मेरी। सो चलो मैं देखती हूँ क्या करना है। तो गाइस 2 बज रहे हैं, पूरे 1 घंटे बाद हम निकल रहे हैं फाइनली बस स्टैंड बस टर्मिनल की तरफ। एंड ब्लैक हो गया था। एंड ये डैडी, डैडी हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज गाइस हम कुछ नहीं कर सकते, डैडी नहीं पता तो मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, अब वो आपको पता चलेगा जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे या फिर हो सकता है अभी बीच में पता चल जाए। सो ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा ब्लॉग देखना। एंड ये रहा हैप्पी, हैप्पी इसकी नौटंकी चालू है। एंड गाइस मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा चिल्ड चिल्ड हो गया। एंड मैंने भी नहीं बहुत सारी रील्स, तो उसके लिए यहाँ मेरी आईडी है, इस पर जाकर मुझे फॉलो करो और देख लो। एंड नीचे मैं आपको लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड चलो अब हम चलते हैं, ताला लगा रहा है मम्मी, अभी मम्मी ताला लगा रही है। सो गाइज हम यहाँ पर आ गए थे गुड़गांव एंड हमें जाना था क्योंकि शीतला माता मंदिर। एंड ये बात मैं शायद व्लॉग में 2 बार बता रही हूँ, सो नेक्स्ट व्लॉग इसके नेक्स्ट वाला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा गाइज लिटरली अच्छा होने वाला है क्योंकि वो व्लॉग मंदिर का है। एंड मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी एंड मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत ही क्लिप्स बनाई थी
और वो मैं आपके साथ यहाँ पर एडिट वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे इस पूरे ब्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ पर मैं बातें ही कर रही थी, तो चलो मेरे को बताइएगा कमेंट में। एंड इस वीडियो